हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पैरेलल लाइंस का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस यानी कि लाइंस एंड एंगल्स में एक दूसरा पार्ट है जो कि पैरेलल लाइंस का है। ठीक है, और आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 7C से है। ठीक है, 7C का एक और क्वेश्चन, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था कि एक पहला क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल के तौर से वो सारा जितना भी उसका थ्योरी था मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दूसरे क्वेश्चन को उसी तरीके से, यानी कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये डायरेक्टली एंगल वन गिवन था कि 120 डिग्री है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि डायरेक्टली किसी एंगल को गिवन नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि एंगल वन और एंगल टू का रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, बाकी हमको सारा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि अगर एक भी एंगल हम फाइंड कर लेते हैं तो सारा आठों का आठों एंगल हमको मिल जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देख लिया है, तो यहाँ तो दो एंगल हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फाइंड हम कैसे करेंगे अगर रेशियो में दिया हुआ है, तो ये काफ़ी आसान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, गिवन है रेशियो। ठीक है, क्या है, गिवन गिवन एंगल वन रेशियो एंगल टू जो होगा 2:3 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मान लेते हैं कि एंगल वन जो हो गया 2x हो जाएगा और एंगल टू जो है 3x ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में हम क्यों दोनों में x ही लेते हैं, क्यों ना किसी एक में x ले दे दूसरे में y लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल रेशियो जो होता है ना वो एक तरह का फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए 2:3 हुआ, तो अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हो सकता है कि ये जो नंबर होगा वो कितना होगा, 4:6 होगा। तो जब किसी चीज़ को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं तो जिस नंबर से हम ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं उसी नंबर से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर इसको हम 2 से डिवाइड किए, इसको भी 2 से डिवाइड किए, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, 2:3 हमें मिल गया। लेकिन अगर यहाँ से हमें फिर वापस से हमको यहाँ जाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता है कि हम किसी ऊपर, मतलब ऊपर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दें, नीचे वाले को दूसरे नंबर से डिवाइड करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड नहीं करते हैं डिफरेंट नंबर से, तो वापस उसको हम उसी नंबर पे पहुंचने के लिए, यानी कि रिवर्स जाने के लिए, हम डिफरेंट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमको यहां से अगर यहां जाना होगा तो ऊपर भी 2 ही से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंट नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड ही नहीं किए हैं, तो फिर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, समझी बात। तो यही कारण है कि हम क्या करते हैं कि हमें नहीं मालूम है कि हमको कहां तक जाना है। ये तो हम 4:6 एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, ये हो सकता है वो कितना हो, 8:12 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो नंबर हमको ये कितना मल्टीप्लाई करना हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी मान लेते हैं, ये x से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे को भी x से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा एक एंगल 2x हो जाता है, दूसरा 3x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एंगल 1 और 2 एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ आ रहा है एंगल। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना हुआ है एंगल 1 और 2, और इसके अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 कितना है, 2x है, प्लस एंगल 3 जो है, सॉरी एंगल 2 जो है वो कितना है, 3x है। तो ये भी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/5। इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 3 और कितना, 3/15। ठीक है, 3 बचा हमारे पास 6। ठीक है, 30, यानी कि हमें कितना मिल गया, 36 मिल गया। ठीक है, तो अब जब 36 मिला तो हमें किस चीज़ का वैल्यू मिला है, x का वैल्यू मिला है, न कि कोई डायरेक्ट एंगल मिला है। ठीक है, तो एंगल 1 जो है यहाँ हम लिखते हैं, यानी कि जो एंगल 1 है वो कितना है, 2x है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × 36। तो 2 × 36 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, और एंगल जो 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है, 3x है। ठीक है, तो 3x 3, यानी कि 3 × 36, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 3 × 36, 108। ठीक है, 108 डिग्री, समझ आ गई बात। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दो हमें मिल गए, यानी कि ये मिला हमें 72 डिग्री और ये हमें मिला 108 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तो फटाफट सारे एंगल निकल जाएंगे, अगर जिसने पिछला वाला वीडियो निकला देखा होगा वो तो सारा निकल सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि 2 का जो 4 है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2,
और एंगल टू किसके बराबर है, 108 डिग्री के बराबर। तो इसके आगे हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन, ठीक है, और ये एंगल वन कितना है, 72 डिग्री के बराबर है, इसलिए एंगल थ्री भी 72 डिग्री हुआ, रीजन सेम रहेगा हमारा, ठीक है। वैसे ही बाकी ये हो जाएगा इक्वल, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल वन, और एंगल वन कितना है, 72 डिग्री है। और एंगल सिक्स की बात करें तो एंगल सिक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल टू के, तो एंगल टू कर देते हैं, ये है 108 डिग्री। फिर अब बात करते हैं एंगल सेवन, एंगल सेवन किसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल थ्री के, तो एंगल सेवन इज इक्वल टू एंगल थ्री, और एंगल थ्री हमारा कितना है, ये 72 है, तो ये भी क्या होगा, 72 ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो एंगल थ्री हमारा कितना है, 72 डिग्री, ठीक है। वैसे ही एंगल एट, एंगल एट किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, फोर का, तो एंगल एट इज इक्वल टू एंगल फोर, और एंगल फोर कितना होगा, 108, क्योंकि एंगल टू जो है 108 है, तो कितना, ये भी वर्टिकली अपोजिट से 108 हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 108 डिग्री। एक बात गौर करने वाला है कि इसमें दो एंगल के अलावा कोई तीसरा एंगल आता ही नहीं है, यानी कि हमेशा दो, यानी कि 72 और 108 के अलावा कोई दूसरा एंगल आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पर दो एंगल वर्टिकली अपोजिट है, जस्ट उसका टू कॉपी इधर भी है, तो फिर हमारा थर्ड एंगल आ ही नहीं पाता है, यानी कि ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होता है, केवल दो एंगल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सारे के सारे 72 या फिर 108, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इस वीडियो में एक और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वो इसी तरीके से है, लेकिन वो कंजुक्यूटिव एंगल्स पे है, ठीक है, कंजुक्यूटिव एंगल्स पे है, तो उस तरह के एक और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि वही बात पिछले वाला ही रिपीट किया गया है कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, ठीक है, और इसमें से दो एंगल हमें गिवन है, ठीक है, एक एंगल हमें ये दिया हुआ है 3x माइनस 20 डिग्री, और हमें ये है एंगल 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है, और हमें दोनों एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि इन दोनों एंगल को हमें फाइंड करना है कितना होगा। अब ये तो कंजुकेटिव एंगल्स नहीं है, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, तो इसको आसानी से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो यहीं पर इक्वेशन हमारा तैयार हो गया, ठीक है, यहीं पर हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। तो इसमें अगर हमको सॉल्यूशन करना है तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे कि ऐसे इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 डिग्री, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x, और ये 10 उधर गया, 10 प्लस 20, यानी कि हो जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू कितना, 30, x का वैल्यू हमें कितना मिला, 30 मिला। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल्स को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल है 3x माइनस 20, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 × 30 हम माइनस 20 करेंगे, यानी कि 3 × 30 कितना हो जाएगा, 90, और 90 माइनस 20 यानी कि 70 डिग्री हो गया, ठीक है, तो अगर ये 70 डिग्री हुआ तो इसको भी 70 डिग्री होना होगा, ठीक है, या फिर हम क्या करके चेक कर लेते हैं, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है ही, तो जितना ये आएगा उतना ही आएगा, ठीक है, एक्चुअली में हम इसको भी हम वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो 2x प्लस 10, ठीक है, तो 2 × x, x का वैल्यू कितना है, 30, ठीक है, 30 प्लस 10, ठीक है, तो 2 × 30 कितना होगा, 60, और 60 प्लस 10 70, आ गया, दोनों सेम आएगा, ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए हमारा दोनों इक्वल, ठीक है। तो उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन समय में आ गया होगा, ठीक है, इसमें हम दो क्वेश्चन इंक्लूड इसलिए करने की कोशिश की कि दोनों नॉर्मल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, इसलिए, ठीक है,
तो दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है हमें आर एस अग्रवाल से, और बनाते रहना आगे चल के, ठीक है। ये काफ़ी कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम इतना नॉर्मल क्वेश्चन लाने नहीं लाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ अच्छा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो NCERT और आर एस अग्रवाल के एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे।